राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे केतुदेव एंड जर्नी ऑफ केतुदेव थ्रू ऑल 12 हाउसेज एंड पेंडिंग कर्मा। देखिए, केतुदेव जो है एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल प्लैनेट है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर कंपैरिजन पॉइंट की बात करें जुपिटर के अंदर और केतु के अंदर, दोनों स्पिरिचुअलिटी के कारक हो जाते हैं। फर्क समझने की कोशिश करते हैं। जुपिटर जो है वो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल नॉलेज है, एट द सेम टाइम केतु है बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज है। दो प्रकार के लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, एक जो मेडिटेशन के बारे में बातें करते हैं और बोलते हैं कि उन्हें आता है मेडिटेशन, और वो होता भी होगा कि उन्हें आता भी होगा, हफ्ते में एक बार करते होंगे। और दूसरे होते हैं केतु के लोग जो रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं और हर एक चीज को रेगुलरिटी से करना जानते हैं। केतु कुंडली के अंदर जहां पर भी बैठेंगे वहां पर आपको डिटैचमेंट देंगे उस फैक्टर से। इसका मतलब ये नहीं होता कि केतु कंप्लीटली मेलेफिक प्लैनेट हो जाते हैं। कैसे सैटर्न जो है बहुत पैसा दे सकते हैं, बट डिसिप्लिन और हार्डवर्क उनका एक क्वालिटी है, उसी तरीके से डिटैचमेंट जो है वो केतु का क्वालिटी है। डिटैचमेंट के बाद केतुदेव ग्रोथ दे सकते हैं। ये कहना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा कि केतु अगर धन भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं या फिर 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो यहां पर इंसान पैसा नहीं कमा सकता। केतुदेव एक्सट्रीम लेवल का धन दे सकते हैं कुंडलियों के अंदर। ये अगर डीप रिसर्च की जाए केतु के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि वो पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अभी आप इमेजिन करिए, किसी ने पास्ट लाइफ में इतना सारा पुण्य अक्यूमुलेट किया होगा और वो पुण्य इस जन्म में मिलना वो केतु की वजह से मिल सकता है, नहीं तो मिलेगा कैसे आपको? केतु आपकी पास्ट लाइफ को लेकर आया। अगर इंसान पास्ट लाइफ में पैसा लेकर आया है तो वो शुक्र के थ्रू उसको मिलेगा, आपको केतु का कनेक्शन यहां पर शुक्र के साथ दिखने आएगा। केतु एक बड़ा ही इरेशनल प्लैनेट है। जहां पर भी केतुदेव बैठेंगे वहां पर अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो देखेंगे काम नहीं बन रहे। इसीलिए आप देखेंगे केतु की और बुध की युति इतनी कुंडली में अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि बुध आपके ब्रेन का कारक है, आपके लॉजिक का कारक है। केतु का लॉजिक से इतना लेना देना नहीं है। केतु का वो एक कॉन्शियस रियलिटी से ऊपर का जो रेल्म है, जहां पर आप रियलिटी से बाहर आकर एक्सपर्ट बन चुके हो हर एक चीज के, जहां पर आप आर्यभट्ट से भी ऊपर का मैथ्स जानते हो, जहां पर अब एग्जिस्ट नहीं करता ये रेल्म, बट वो टाइप का नॉलेज आपको केतु दे सकता है। तो केतु इज एक्सट्रीमली हायर वर्जन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स आप बोल सकते हैं, बिकॉज वो आपके पास्ट लाइफ से आता है, वो आपके कर्म से आता है। फॉर example, केतु इन द फिफ्थ हाउस। अब ऐसा इंसान जो होगा वो अपने लव रिलेशनशिप पे बड़ा ही खर्चा करेगा, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, बट एट द एंड क्या होगा? डिटैचमेंट होगा यहाँ पर जाकर। इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर दिमाग कम है। राहु 11वें भाव में बैठा है, सोशली और सब जगह पर दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, बट जहां पर केतु बैठा है वहां पर इमोशनल डिसीजन ले लिया, वहां पर इरेशनल हो गया, इंसान का दिमाग ज्यादा चल नहीं पाता। उसी तरीके से ऑपोजिट करके देखते हैं कि 11वें हाउस के अंदर केतु देव आ गए। अब ऐसा जो इंसान होगा अपने दोस्तों पर जान न्यौछावर करने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी तरीके से उनको बांधने की कोशिश करेगा, बट यहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा केतु जब 11वें भाव के अंदर होता है तो ऐसा इंसान होटल के अंदर जब सारे दोस्त डिनर करने के लिए आते हैं, लंच करने के लिए आते हैं, सबसे पहले इसके जेब से पैसा निकलता है, सबसे पहले इसका कार्ड निकलता है टैप करने के लिए, बट तो भी आप देखेंगे इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी फ्रेंड से, या फिर आप देख सकते हैं इसके दोस्त ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर डिससैटिस्फैक्शन है, वहां पर डिटैचमेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको बच्चे नहीं मिलेंगे केतु पंचम भाव वाले को, क्योंकि केतु ऐसा नहीं बताएगा कि ये डिनाई हो गया इवेंट, यहां पर बच्चे मिल सकते हैं केतु पंचम भाव वाले को। और 11वें भाव के अंदर अगर केतु बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गेन्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये गेन का भी भाव है, बहुत पैसा कमा सकता है ऐसा इंसान। तो यहां पर डिपेंड करता है कि डिटैचमेंट का फैक्टर आपको देखने मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अबंडेंस भी देखने मिलेगा यहां पर। केतु जो है वो आपके एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बताता है। पजल सॉल्विंग हो गया, रूबिक क्यूब जो सॉल्व करते हैं, चेस प्लेयर्स हो गए। अब देखेंगे जो भी रूबिक क्यूब जो होता है जो लोग सॉल्व करते हैं, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3 सेकंड्स 33 मिनी सेकंड्स का। अब आप देखेंगे इतना जल्दी हाथ का घूम पाना ये लॉजिक का बात नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, एक सबकॉन्शियस फैक्टर चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे एक लेवल तक मर्क्यूरी काम कर सकता है, उसके बाद जब वो एक सबकॉन्शियस एनर्जी किक इन होती है तभी इंसान वो लेवल तक पहुंच पाता है। हाईली ग्रेडेड मैथमेटिशियंस जो आपको देखेंगे उनके अंदर आपको केतु बहुत स्पेशल देखने मिलेगा चार्ट के अंदर। इफ केतुज पोजिशन इज नॉट स्पेशल इन द चार्ट, आप देखेंगे आप एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। पास्ट लाइफ से अगर कोई चीज नहीं आती है तो आप इतना आगे फ्यूचर में नहीं बढ़ पाते। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पैदाइशी पियानो बजाते हैं, वो 3 साल के होते हैं, उन्हें सब पता होता है पहले, कोई उन्होंने कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं सीखा, कोई उन्होंने नोट्स नहीं सीखे, कोई उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, बट उनको तो भी वो आता है। क्यों आता है? क्योंकि पास्ट लाइफ से वो एनर्जी लेकर आए हुए हैं। केतु आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जो अब देख पा रहे हैं वो एक जन्म का नहीं है, वो पिछले जन्मों का है। तो वो एक लेवल तक बिल्टअप होता है और फिर इंसान की डेथ हो जाती है, बट सोल तो सेम रहती है, और फिर वही सोल का फिर से री इंकारनेशन जब होता है एक पर्टिकुलर बॉडी में तो नॉलेज यहां पर सेम रहता है, और वो नॉलेज जिस नक्षत्र के थ्रू आएगा वो आपको वैसा रिजल्ट देखने मिलेगा। अभी कुछ हॉरोस्कोप्स के थ्रू ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि केतु को स्पेशल फैक्टर के थ्रू किस तरीके से देखा जाए हॉरोस्कोप में। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं मैक्स पार्क का, जो कि रूबिक क्यूब के करंट वर्ल्ड चैंपियन है, यूएस के सिटीजन है ये।
एरीज लगन की यहाँ पर कुंडली बन जाती है, बेसिक चंद्र कुंडली लेंगे, एरीज लगन की कुंडली बन जाती है, केतुदेव नवम भाव के अंदर आकर बैठे हैं, मूल नक्षत्र स्व नक्षत्र के अंदर। अब देखेंगे केतु के जो सप्तम भाव में है, जो कि तीसरा भाव होता है, जो आपके हाथों को रिप्रेजेंट करता है, रूबिक क्यूब इज ऑल अबाउट सॉल्विंग विथ हैंड्स, तो हैंड्स यहाँ पर फास्ट होने चाहिए, वहां पर आपको राहु मिल जाएंगे और वहां पर आपको जुपिटर मिल जाएंगे। केतु जो है स्व नक्षत्र का बैठा हुआ है और केतु जुपिटर के साइन में बैठा हुआ है, जुपिटर केतु को एस्पेक्ट कर रहे हैं और राहु उनको वो स्पीड दे रहे हैं, कितना क्लियर कनेक्शन है आपको समझ पाएगा। कुंडली याद है इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर मैं कुंडली आपके देखने के लिए कनेक्ट भी कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं केतु एक तो स्व नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, केतु का लॉर्ड केतु को फिर से देख रहा है, तो पास्ट लाइफ से वो चीजें आ रही हैं, और राहु वहां पर बैठा है तो उसको वो एकदम क्रेजी स्पीड भी दे रहा है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे स्कॉर्पियो के अंदर थ्री प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जिसके को लॉर्ड यहां पर केतु बनते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं केतु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु आपको वो स्पीड तो दे पा रहे हैं इस जन्म के अंदर, बट वो आ कहां से रही है, वो केतु के साथ आ रही है, केतु के डिस्पोजिटर जाकर राहु के साथ बैठे हैं थर्ड हाउस के अंदर। सेकंड एग्जांपल लेंगे वर्ल्ड फेमस चेस प्लेयर का, जो वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं, इंडिया के हैं, रमेश बाबू प्रगनंदा, बहुत ही प्राउड बात होनी चाहिए। फर्स्ट हाउस के अंदर आप देखेंगे जुपिटर केतु एंड मून वर्गो लगन की कुंडली बन जाती है, 11th हाउस के अंदर बुधदेव आकर बैठे हैं, चंद्रमा और बुधदेव के बीच में यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, तो आप देखेंगे लगन और 11वां भाव बहुत स्ट्रांग हो गए। केतु को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केतु हस्त नक्षत्र के अंदर आकर बैठे हैं, हस्त नक्षत्र जो होता है आपके हाथों का होता है, तो केतु हस्त नक्षत्र से रिलेशनशिप मतलब कि हाथों से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल है जो आपके पिछले जन्म से आया हुआ है, राइट। चेस आप हाथ से खेलते हैं तो आप देखेंगे हाथों का यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, प्लस मर्क्यूरी के साइन में बैठे और मर्क्यूरी एक्सचेंज के अंदर आ गया। कोई भी कुंडली के अंदर एक्सचेंज के अंदर जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व हो जाते हैं वो सारे के सारे प्लैनेट स्ट्रांग हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर केतु और चंद्रमा पहले भाव के अंदर बैठे हैं और 11वें भाव के अंदर बुध देव बैठे हैं, बुध और चंद्रमा का ही यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, बट केतु और जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं यहाँ पर क्योंकि वो एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो पहली बात तो ये कि मर्क्यूरी का यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा, केतु जो है हस्त नक्षत्र के अंदर आकर बैठ गए हैं, हस्त नक्षत्र के जो देव बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं, चंद्रदेव यहाँ पर आकर केतु के साथ बैठ गए। तो आप समझ पा रहे इंट्यूशन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर चीज़ों को समझने का, एक सेकंड में चीज़ों को समझ जाना इंट्यूशन के थ्रू और अपने काम के थ्रू, प्लस यहाँ पर मर्क्यूरी की साइन के अंदर बैठे हैं तो इंट्यूशन इज वेरी बैलेंस्ड। एट द सेम टाइम मर्क्यूरी का जो लॉजिक है वो भी आ गया, कितना स्पेशल बन जाता है चार्ट अपने आप के अंदर ही। मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा, जुपिटर को देखिए यहाँ पर एक तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आ गए, मून को देखिए मून एक्सचेंज में आ गए मर्क्यूरी के साथ, तो आपको इमोशंस के बीच में और लॉजिक के बीच में एक बैलेंस देखने मिल गया। प्लस आप यहाँ पर केतु को देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, केतु हस्त नक्षत्र के अंदर बैठे, चंद्रमा साथ में ही आकर बैठ गए जो हस्त नक्षत्र के रूलर बनते हैं। एट द सेम टाइम हस्त नक्षत्र इज द हाईएस्ट एग्जॉल्टेशन पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी और उनके केतु देव की आप डिग्री देख लीजिए, मेरे कहने पर जाकर सिर्फ बेसिक एस्ट्रोसेज पर जाकर चंद्र कुंडली भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द स्पेशल कॉम्बिनेशंस आर मेड। केतु कुंडली के अंदर हमेशा आपको बताएगा कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हैं और उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है। अगर हम केतु देव की इतनी बात कर रहे हैं तो राहु देव को इग्नोर नहीं कर सकते, तो राहु देव की भी यहाँ पर बात करते हैं और कंपैरिजन समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर दोनों प्लैनेट अपने अपने सिग्निफिकेशन के अंदर स्टैंड आउट करते हैं, ताकि अगर आप एक इंसान को देखो तो आप समझ पाओ कि ये राहु है या फिर ये केतु है। एवरी पर्सन इन आवर लाइफ इज अ प्लैनेट, ये बात आपको भी समझ जानी चाहिए कि हमें जो भी दुख देते हैं वो प्लैनेट्स ही देते हैं और सुख देते हैं वो भी प्लैनेट्स देते हैं, पीपल आर जस्ट द मीडियम। आप देखेंगे राहु इज रिप्रेजेंटेड बाय इल्यूजन एंड केतु इज रिप्रेजेंटेड बाय मिस्ट्री। देखिए कुछ लोग होते हैं कॉलेज के अंदर आपके, जो पता होता है कि यार ये फेमस हो जाएगा जाकर आगे, या फिर वो ऐसे ही ऑलरेडी इतना एक्सट्रोवर्ट होता है कि वो बताता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, आपको वो सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, तो वो हो गया राहु। केतु जो होता है ये मिस्टीरियस होगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये इसका कुछ हो सकता है और फिर वो सडनली पंप अप होकर वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए, दैट इज़ केतु। केतु वाला जो इंसान होगा उसके फैमिली में भी नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहा है, कितने सालों सालों तक आपको पता नहीं होगा केतु का, इंसान अंदर बैठ के अगर कोडिंग कर रहा है तो उसके फैमिली मेंबर्स को लगेगा कि ये तो टाइम पास करता रहता है कंप्यूटर में, बट 10 साल बाद सडनली पता चल गया कि वो कहीं CEO ही बन गया कोई बड़ी कंपनी का जाकर, दैट इज़ केतु। केतु इज़ ऑल अबाउट मिस्ट्री, राहु इज़ ऑल अबाउट इल्यूजन। हो सकता है यहाँ पर राहु गलत हो, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, राइट। हो सकता है कि राहु सिर्फ दिखावटी हो यहाँ पर, के जो चीज़ रियल नहीं है वो भी बेचने की कोशिश हो रही है, बट केतु के इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्री देखने मिलेगी, लॉट ऑफ सीक्रेट्स यहाँ पर देखेंगे आप। केतु इसीलिए स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ऑल अबाउट सीक्रेट्स, राइट। स्कॉर्पियो के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स आकर बैठ गए, अच्छे डिग्निटी के अंदर अगर आकर नहीं बैठे, सेकंड हाउस से कनेक्शन बना ले, अष्टम स्थान से कनेक्शन बना ले, क्लियरली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर फैमिली के अंदर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है या फिर किसी ने कुछ पुराने इसमें करवाया होगा इसीलिए आज वो भुगत रहे हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट मिस्ट्री।
तो केतु का कनेक्शन जब भी आप देखेंगे सेकंड हाउस से अष्टम स्थान से हो जाए और अगर लॉर्ड भी यहाँ पर खराब हो जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि नजर बहुत जल्दी लगती है। कोई भी फैमिली मेंबर ने किसी पे कुछ ब्लैक मैजिक जो आप बोलते हैं वो करवाया सकते हैं। देखिए ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि वो लोग आकर आपके ऑरा पर अटैक करते हैं। ऑरा अगर शरीर मजबूत होगा तो आप देखेंगे कि ऑरा मजबूत होने के कारण वो एनर्जी आपके शरीर के अंदर नहीं फिर फिट हो पाएगी। आप भगवान के आसपास जो देखते हैं जो तेज होता है वो क्या होता है, वो प्रभु का ऑरा ही तो है। तो उसी तरीके से आप मेडिटेशन के थ्रू, चक्रा बैलेंसिंग के थ्रू और बाकी सारे मंत्र जाप के थ्रू, भगवत प्राप्ति के थ्रू, ये सारी चीज़ों से आप अपना ऑरा मजबूत कर सकते हैं। तो कोई ब्लैक मैजिक आप पर काम नहीं कर सकता। तो मोटा मोटा मतलब ये है कि केतु मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स की भी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अगर राहु की हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो इजीली वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, बट सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल पाएगा उस चीज़ का। जैसे कि एक प्रॉब्लम है, सारे डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि चलो ठीक है ये सही तरीके से हो जाएगा ठीक, बट केतु की जो प्रॉब्लम होगी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी पहले प्लेस पे। राहु की जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हो पाएगी बट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट केतु की जो प्रॉब्लम होगी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। वहां पर आपको देखने मिलेगा कि ये तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। राहु के केस में आपको बहुत सारे सजेशन मिलेंगे, ये दवाई खा लो, वो आयुर्वेदिक दवाई खा लो, इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा, पर आइडेंटिफाई नहीं हो रही। केतु केस में भी आइडेंटिफाई तो नहीं हो रही, बट यहाँ पर रीजन भी समझ में नहीं आ पा रहा। केतु इज दैट मिस्टीरियस। तो केतु का जो इंसान होता है आपको उसके लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, बट वो सडनली बल्ज आउट करेगा जाकर। अब बात करते हैं वेल्थ गिविंग योगा। केतु कौन से कंडीशन में आपको एक्सट्रीम वेल्थ दे सकते हैं? तो जो लोग ये कहते हैं कि शुक्र राहु के बारे में बात करते हैं, सिर्फ ऐसा समझते हैं कि राहु देवी वेल्थ दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। केतु देव आपको अनइमेजिनेबल वेल्थ दे सकते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस के अंदर, बिकॉज इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। आप देखेंगे टाटाज, अंबानी जी इतने रिच क्यों हैं? देखिए आप एक लेवल तक पैसे कमा सकते हो अपनी मेहनत के थ्रू, उसके बाद आपको जो भी पैसा मिलता है वो परमात्मा की देन होती है, उसका आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते। जो इंसान 1000 करोड़ कमा रहा है, 2000 करोड़ कमा रहा है, 10000 करोड़ कमा रहा है, कैसे आप क्रेडिट ले लोगे? आप कौन सी मेहनत करने जा रहे हो? वो पैसा फिर जनरेट हो रहा है, वो पैसा फिर राहु केतु के थ्रू ही आपके कुंडली के अंदर आ रहा है। तो अगर कुंडली के अंदर शुक्र केतु है तो ऐसा नहीं समझना कि आप वेल्थ नहीं कमा सकते। आप एक्सट्रीमली ज्यादा वेल्थ कमा सकते हो, बट देयर हैज टू बी अ सर्टेन कॉम्बिनेशन, राइट? राहु सिर्फ इल्यूजन का कारक है, इसीलिए आपको दिखेगा कि यू नो एवरीथिंग इज अबाउट राहु। सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो जाए, केतु के साथ बैठ जाए, ये इंसान को बड़ा धन दे सकता है, अच्छे डिग्निटी के अंदर होना चाहिए ऑफकोर्स। सेकंड हाउस के अंदर केतु देव आकर एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठ जाए, बहुत अच्छा धन दे सकता है। केतु देव राहु देव के नक्षत्र के अंदर आकर अगर शुक्र देव के साथ कंजंक्शन के अंदर आ जाए, बहुत अच्छा धन दे सकता है। फॉर एग्जांपल केतु देव स्वाति नक्षत्र के अंदर आकर बैठ गए और यहां पर शुक्र देव के साथ कनेक्टेड हो गए, आकर कंजंक्शन हो गया एक तो शुक्र और केतु का, और स्वाति नक्षत्र पड़ता है लिब्रा राशि के अंदर, तो लिब्रा राशि के अंदर शुक्रदेव स्वराशि के बैठ गए और प्लस केतु जो है वो राहु के नक्षत्र के अंदर आकर बैठ गए। यहाँ पर राहु तो शुक्र को आस्पेक्ट कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम केतु जो है वो राहु के नक्षत्र के अंदर आकर बैठ गए, तो ये बताता है कि इंसान पास्ट लाइफ से ही बहुत ज्यादा वेल्थ लेके आया है। तो ऐसे इंसान को वेल्थ कमानी नहीं पड़ती, इसको बहुत इजीली अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएगी और इजीली इसका काम बनते जाएगा। यहां तक अगर शुक्र राहु की बात करें तो वो तो मेहनत करेगा ना, क्योंकि अब उसको वो चाहिए, वो पावर के पीछे पागल हो चुका है, उसको वो पैसा चाहिए, उसको वो कमाना है। बट शुक्र केतु के दिमाग में चिल रहेगा ऐसा इंसान, उसको अपने आप ही पैसा यहाँ पर आएगा। तो एक योग तो ऐसा भी बन सकता है कि केतु जब राहु के नक्षत्र के अंदर हो जाए और फिर वो किसी धन योग के अंदर आकर बैठ जाए, अल्टीमेट पैसा वो आपको दे सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप दिलजीत दोसांझ का चार्ट उठाकर देखिए, 6 तारीख को उनका जन्म हुआ है, तो इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि 6 तारीख मतलब शुक्र आ गया, तो शुक्र कुंडली में इंपॉर्टेंट हो गया। अब अच्छा या बुरा वो कुंडली देखकर समझ में आएगा। न्यूमरोलॉजी आपको सिर्फ इतना बताती है कि नाउ दिस प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप के अंदर जाकर पता चलता है कि वो क्या सीन है। शुक्र यहाँ पर उनका केतु के साथ बैठा हुआ है, एक्सट्रीमली वेल्थ दे गया उनको कहीं ना कहीं। दूसरा, आप बादशाह की कुंडली देखिए खोलकर, शुक्र फिर से आपको केतु के साथ मिलेगा। अब यहाँ पर शुक्र राहु की भी बात करते हैं, अभी एमसी स्टैंड की बात करते हैं। इतने सारे गाने निकाले, नुस्ता पैसा, वो मैंने भी कहीं ना कहीं किसी ने तो समबड़ी सेंट मी द रील और हॉरोस्कोप के चक्कर में देखा वो भी। शुक्र और राहु यहाँ पर उनके पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, पैसा है बट पैसा दिखा रहे। अब आप देखेंगे, कंपेयर करिए एक बार दिलजीत दोसांझ को और एमसी स्टैंड को एक मिनट के लिए, आप सोच कर देखिए किसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी। एक बंदा जो है वो कोचेला में जाकर परफॉर्म कर चुका है और दूसरा जो बंदा है वो दिखा रहा है कि उसके पास पैसा है। शुक्र राहु, पैसा दोनों के पास ही है, दोनों ने बढ़िया पैसा कमाया है, 3-3 करोड़ का ऐसे ही नहीं पहन सकते नहीं तो। बट एक जो वेल्थ है वो दिख रही है, वो नेचुरल वेल्थ है, शुक्र केतु है वो, और एक है शुक्र राहु जो दिखाना पड़ रहा है। गाने भी ऐसे ही है जहां पर आप यू नो चेन पहनो, ये करो वो करो, यू नो नेचुरल नहीं है यहाँ पर। बट अगर एमसी स्टैंड की कुंडली के अंदर भी आप देखेंगे तो 11वें भाव के अंदर यहाँ पर केतु आ गया। 11वें भाव का जो लॉर्ड है शनिदेव सेकंड हाउस के अंदर डेबिलिटेड कंडीशन के अंदर बैठे हैं। सेकंड हाउस में सैटर्न डेबिलिटेड बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरों को कर्स कर पैसा कमाना, तो गाने कैसे होंगे, बीफ वाले गाने आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। कुंडली के अंदर बहुत कुछ इस तरीके से समझ में आ जाता है। तो शुक्र केतु का जो कॉम्बिनेशन है अल्टीमेट पैसा दे सकता है। करण औजला की अगर आप कुंडली देखेंगे,
शनि केतु का आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा यहां पर। अब लोग क्या कहेंगे, प्रोफेशन के अंदर ब्रेक्स मिल सकते हैं, ये मिल सकता है, वो मिल सकता है। शनि केतु 11वें भाव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं यहां पर। शनि और केतु 11वें भाव के अंदर जाकर बैठे हैं, मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से मिला हुआ है। डिग्निटी देखना यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्लैनेट की डिग्निटी अच्छी होगी तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर डिग्निटी खराब होगी तो फिर वो केतु ब्रेक्स देगा, क्योंकि वो डिटैचमेंट और ब्रेक्स का कारक है। केतु मंगल की यहां पर बात करें तो केतु जो है वो कुजवत है, वो मंगल की तरह ही एक्ट करते हैं। अब देखेंगे केतु मंगल जब साथ में आ जाते हैं कुंडली के अंदर, ऐसा इंसान चैन से सो भी नहीं पाता। वॉयलेंस, वूंड्स, कंटिन्यूसली झगड़ा चल रहा है, वॉर हो रही है कहीं ना कहीं, ऐसा कंटिन्यूसली दिमाग में चलते रहेगा। ऐसा इंसान हमेशा खुद को एज अ सोल्जर इमेजिन करने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे रात को सो भी जाए ऐसा इंसान तो उसको लगेगा कि वो वॉर के अंदर है, तलवार हाथ में, किसी को मार रहा है, कोई उसे मार रहा है, मारकाट चल रही है, वो बस वो एंशियंट सेंचुरी के अंदर जी रहा है। इनका कोई ना कोई जो कर्म होता है वो पेंडिंग कर्मा होगा, यहां पर कुछ ना कुछ वॉर से रिलेटेड होगा या फिर सोल्जर से रिलेटेड आपको देखने मिलेगा। केतु की जो एनर्जी है वो बहुत मंगल जैसी है। आप देखेंगे कि ब्रॉड शोल्डर्स होना, घनी आईब्रोज होना, शार्प जॉलाइन होना, देखेंगे क्या ऐसे लोग जब बोलेंगे तो भी बहुत इजीली सामने वाले को खराब लग सकता है। जबकि मंगल और केतु के ऊपर शुक्र की अगर एस्पेक्ट पड़ जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग लोग हो सकते हैं, बहुत सुंदर दिख सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो इतनी मार्शल क्वालिटी आ जाती है, प्लस केतु के स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं। केतु छोटी छोटी आंखों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखेंगे शार्प आइज आपको केतु मंगल के अंदर देखने मिलेंगी। बट इनका रवैया ही वैसा होता है, झगड़े वाला रवैया होता है। वो हो सकता है कि कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन अच्छे हो तो ये वो बताते ना हो, बट ड्रीम्स के अंदर फेस करना, घर के अंदर शैडो बॉक्सिंग करना बार बार, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं घर में, वो कंटिन्यूसली दीवार को जाकर मारते हैं। अब उनको पता नहीं होता ये मैं क्यों कर रहा हूं, बट वो दीवार को जाकर सिर्फ मारते हैं, एक्टिंग करते हैं बॉक्सिंग की पूरे दिन। देखेंगे केतु मंगल बहुत बहुत प्रोमिनेंट हो जाए तो ये रिजल्ट दे सकता है। इन ऑल दीज केसेस मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने मंगल को और अपने केतु दोनों को बैलेंस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू केतु इन ऑल 12 हाउसेस। केतु जब पहले घर के अंदर होता है, यहां पर बेसिक कर्म यही है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना है। दूसरा, आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं राइट और रॉन्ग के अंदर कभी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देखिए केतु के पास हेड नहीं है, सिर्फ धड़ है, तो ये लोग कहीं बार नादानी के कारण गलत डिसीजन ले लेंगे जिसकी वजह से और कर्म बढ़ सकता है। सबसे बड़ा डर ये पोजिशन के अंदर मुझे इसी का रहता है कि जब इसको पता होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करना है और तो भी ये कर लेगा जाकर, क्योंकि इसे लगेगा कि ये तो ठीक है, तो वो ठीक है का जो कॉन्सेप्ट है बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर देना कर्म के थ्रू। बट उसको समझना कि ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केतु ये प्रॉब्लम दे सकता है। अदर देन दिस नेग्लिजेंस इन हेल्थ, ऐसा जो इंसान होता है अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा नगेट कर सकता है जिसके वजह से उसको आगे जाकर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, तो हेल्थ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बहुत अटैच हो जाना अपने लुक से, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्या कपड़े पहन रहे हो, आप किस तरीके से हो, ये बेसिक हो तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कह रहा हूँ कि फटे कपड़ों में चले जाओ, बट एकदम ज़्यादा अपने लुक्स के साथ यहाँ पर अटैच नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ बुक्स ये कहती हैं कि केतु जब पहले भाव के अंदर होता है तो सूर्य जाकर एग्जॉल्ट हो जाता है जहाँ पर भी कुंडली में बैठा हो। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। देखिए केतु जब पहले भाव में होगा इसका मतलब ये है कि आपको अपने पास्ट लाइफ की जानकारी बहुत अच्छी होती है, तो इंसान जो करता है उसके अंदर उसको कॉन्फिडेंस हो सकता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्ट लाइफ से आपको कोई सिद्धि मिली है या फिर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, तो केतु पहले भाव वाला जो इंसान होता है वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को करेगा तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है यहाँ पर कि यार ये तो मुझे ऑलरेडी आ रहा है, मुझे फटाफट ग्रास्प हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो आत्मा का कारक है सूर्य, उससे रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ एक मेजर पास्ट लाइफ का सिग्निफिकेशन है। फादर से रिलेटेड आपको कोई ना कोई यहाँ पर सिग्निफिकेशन देखने मिल सकता है। केतु जब पहले भाव के अंदर होगा और स्पेशली वाटर साइंस के अंदर होगा, आप देखेंगे कि ये धर्म चेंज कर सकते हैं अपना, मल्टीपल धर्म यहाँ पर ट्राई करना, जस्ट लाइक राहु इन द नवम भाव। तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर इटली में बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग बहुत ईजिली धर्म चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं कुंडली के अंदर जाकर देखता हूँ तो केतु मुझे पहले भाव का मिलता है, और केतु स्पेशली अगर पाइसिस का मिल गया और कुंडली के अंदर जुपिटर पॉजिटिव हो गया तो ये लोग बाकी कम्युनिटी के अंदर से हिंदुइज्म के अंदर आना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर साइन टू साइन भी डिपेंड कर रहा है कि केतु किस तरीके से आपको रिजल्ट दे रहा है। केतु जब दूसरे भाव के अंदर होता है, एक बात यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंडिंग कर्मा आपके फैमिली को आपको पैसा देना है। ऐसा लोग फैमिली को संभालते हैं, फैमिली के लिए काम करते हैं, उनके घर के EMI पे करते हैं, इनके पॉकेट में से एक बड़ा चंक अपने फैमिली के लिए जाएगा। बोलने से पहले अगर नहीं सोचेंगे तो रिश्ते यहाँ पर टूटेंगे, और पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप बोलने के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट थे, इसीलिए आपको ये पोजीशन मिली है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। केतु इन द थर्ड हाउस, देखिए ये पोजीशन इंसान को भटकाती है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या नेसेसरी है उसी चीज़ के लिए मैं ट्रैवल करूं, और जो चीज़ नेसेसरी नहीं है वहां पर मैं ट्रैवल ना करूं। यहां पर डिफ्रेंसिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या काम इंपॉर्टेंट है और क्या काम इंपॉर्टेंट नहीं है।
यहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स जो होंगे वो आपके फायदा ना दे वैसे हो सकते हैं, तो यहां पर उसका मैनेजमेंट करना जरूरी है। कोई ना कोई पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्म आपके छोटे सिबलिंग से यहां पर रिलेटेड होगा। केतु अगर तीसरे भाव के अंदर बैठा है तो आपका यहां पर पेंडिंग कर्म यह है कि अगर आपके छोटे सिबलिंग्स है तो उनको संभालना है, और अगर आपके छोटे सिबलिंग नहीं है तो बहुत अच्छी रेमेडी यहां पर है कि ऑर्फनेज में जाइए, अपने से छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं किसी एक को संभालना शुरू कीजिए, किसी एक को कुछ सिखाना शुरू कीजिए, आपको केतु बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट देगा। केतु इन द फोर्थ हाउस, अब आप देखेंगे यहां पर इमोशंस, आपका बचपन और आपकी मदर, ये जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर बन गए, पेंडिंग कर्मा इन तीनों के इर्द गिर्द घूमेगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि राहु जब चौथे भाव के अंदर होता है तो मदर के साथ एक अलग सा अटैचमेंट देता है राहु, क्योंकि राहु आपके अटैच करने का कारक है, वो फ्यूचर का कारक है, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी चंद्रनाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। बट उसी तरीके से अगर आप केतु को देखेंगे तो केतु डिटैचमेंट का कारक है, मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप ना होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। अगर वो पॉसिबिलिटी अच्छी है तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा फॉरेन कंट्री में चला गया जिसके वजह से वो अपनी मदर के साथ नहीं रह पा रहा है, तो यहाँ पर ये रीजन हो गया ना, फॉरेन कंट्री इज अ रीजन हियर, तो जो रिलेशनशिप ना होने का कारण या फिर दूरी होने का कारण एक्सटर्नल फैक्टर है, यहां पर इमोशनल ट्रॉमा नहीं है। जैसे ही चंद्रमा यहां पर बीच में आ जाए तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो केतु जब चौथे भाव के अंदर होगा, भले ही आपका रिलेशनशिप मदर के साथ अच्छा ना हो, जस्ट ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि आप एटलीस्ट उसको नो गुड नो बैड के ऊपर लेकर आइए या फिर अच्छा लेकर आइए, नहीं तो आप फिर से अपना वही पेंडिंग कर्मा को जनरेट करके फिर से इसी चीज की वजह से जन्म लेना पड़ेगा। हमारा एट द एंड ऑफ द डे मोटिव क्या होता है, हमें जन्म नहीं लेना है, फिर से जन्म और मरण का जो साइकिल है उससे बाहर निकलना है, हमारे केतु से बाहर निकल के मोक्ष की तरफ जाना है। तो ऐसा ना हो जाए कि आपकी मदर ही कहीं ना कहीं या आपके इमोशंस कहीं ना कहीं रीजन बन जाए आपके फिर से पुनर्जन्म के। सेकंडली आप देखेंगे केतु जब चौथे भाव के अंदर है, मैं कहता हूं घर से दूर जाने में ही भलाई है यहां पर, क्योंकि घर घर ही नहीं लगेगा आपको। वो कहते हैं ना कि मैं घर में तो रहता हूं बट मुझे मेरा घर घर जैसा नहीं लगता, ऐसे बहुत सारे आपने कुछ किस्से सुने होंगे, ये सेम वही सिचुएशन बन जाती है, इंसान को होमली फीलिंग यहां पर नहीं आ पाती है। तो घर से निकलना एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं भी कभी भी जीवन के अंदर दूसरों के इमोशंस को हर्ट ना करें, क्योंकि केतु चौथे भाव वाला विथ टाइम आप देखेंगे कुछ ऐसा हो जाता है कि इमोशनलेस हो जाता है ऐसा इंसान, इसके इमोशंस, क्योंकि कर्म भाव पे राहु बैठा हुआ है तो वैसे ही कर्म के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान लगा हुआ है, तो इमोशनलेस हो जाना और फिर इमोशनलेस होने की वजह से दूसरों के इमोशंस ना समझ पाना, जिसके वजह से गलत कर्म क्रिएट करना और फिर उसी चीज का पेंडिंग कर्म बन जाना। सो दीज आर द सिचुएशंस विच कैन बी सीन। केतु इन द फिफ्थ हाउस, अब आप देखेंगे शिकायत हमेशा रहेगी कि मेरे ब्रेकअप हो जाते हैं, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ नहीं बनी। अगर स्पेशली यहाँ पर केतु पंचम भाव के अंदर हो, शुक्र अगर दशम भाव में, मतलब कुछ शुक्र अगर केतु से दशमेश चले जाए, मतलब सेकंड हाउस के अंदर अगर आप चले जाए, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा नीड रहती है रिलेशनशिप की, तो वो नीड में तो रहता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में आता है बट ब्रेकअप ही होता रहता है उसका, फिर एट द एंड ऑफ द डे उसको लगता है मेरे लिए नहीं बना है, तो डिससैटिस्फैक्शन फेस करता है, तो उधर इतना इंटेंट वैसे भी नहीं रहना चाहिए। केतु देव पास्ट लाइफ क्रिएटिविटी पंचम भाव के अंदर बहुत ब्यूटीफुल दे सकते हैं, तो अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोफेशन के अंदर है, कोई क्रिएटिव स्किल है जो आपको पसंद है, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली केतु देव पंचम भाव के अंदर एक्सीलेंट मंत्र शक्ति देते हैं, तो मंत्र शक्ति के अंदर आप जा सकते हैं, मंत्र के उच्चारण कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी। केतु इन द सिक्स्थ हाउस, आप देखेंगे रोग ऋण और शत्रु से आपका कोई ना कोई पाला पड़ चुका है, कुंडली में अगर मंगल खराब हो जाए तो ऐसे लोगों पर फेक कोर्ट केसेस होना, फेक केसेस बार बार लगते रहना, कहीं ना कहीं जो इन्होंने काम नहीं किए उस काम का इल्जाम लगना, इस चीज का भी यहां पर कहीं ना कहीं योग बनता है, तो इन चीजों से पहली बात तो सेफ रहना चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो सामने वाले ने नहीं किया उस पर इसका इल्जाम ना लगाए, नहीं तो आप अपना पेंडिंग कर्म और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। केतु इन द सेवेंथ हाउस, अब देखिए ये एक बड़ी ही स्केप्टिकल पोजीशन हो जाती है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है एंड मैरिज इज ऑल अबाउट अटैचमेंट, तो यहां पर आपको अपने शादी के अंदर एक डिटैच्ड फीलिंग आएगी ही आएगी। सो इसके बारे में कोई ज्यादा इफ और बट नहीं है, केतु अगर सप्तम भाव के अंदर है तो आप देखेंगे एक डिटैच्ड फीलिंग आएगी, बट ये एक और चीज को बताता है, केतु आपके पास्ट लाइफ को भी बताता है, तो हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है वो आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रहा है। केतु जब सप्तम भाव के अंदर होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक दायरा बनाकर रखिए आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में, एक लिमिट बनाकर रखिए और वो लिमिट के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा होगा। साथ में मेडिटेशन करना, साथ में ऐसी कुछ प्रक्रिया करना, हट योगा करना, ऐसा कुछ करना जो केतु को आपके बैलेंस रखे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी। अटैचमेंट यहां पर आपको नहीं देखने मिलेगी, डिससैटिस्फैक्शन देखने मिल सकता है अगर उधर फोकस किया तो। आपका फोकस पॉइंट ये होना चाहिए कि दिस इज माय पेंडिंग कर्मा। अभी पेंडिंग कर्मा के अंदर और डीपली बात करें तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है अगर दुख आ रहा है उस चीज से कि आपने अपने पास्ट लाइफ में अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दिया होगा, तो इसीलिए आपको ये जन्म में वो इमोशनल कैपेसिटी की नीड है बट आपको वो नहीं मिल पा रही है। बट इसी चीज को अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर बदल दें कि समझ जाए कि ये तो जीवन मरण का साइकिल है, एट द सेम टाइम आपको भी मुक्त होना है, पार्टनर को भी यहां पर मुक्त होना है, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, सब चीज का विनाश ही होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे, तो आप इस चीज को डाइजेस्ट कर पाएंगे कहीं ना कहीं।
केतु साउथ वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। केतु जब सप्तम भाव में होता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने स्पाउस को मिले। जिन लोगों को जानना है कि कौन से डायरेक्शन में किस तरीके से मिल सकते हैं, केतु इन द एट्थ हाउस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पोजिशन। आपका पास्ट लाइफ का कर्म ही यह है कि आपने पास्ट लाइफ में राहु इन द अष्टम स्थान की काफी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। अब उस चीज को यूटिलाइज करने का मौका है अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र जाप करते हैं जीवन भर, बट वो शायद एक पॉइंट से रह जाते हैं जहां पर वो लिबरेटेड स्टेट में पहुंच पाए और अगर वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। तो केतु इन द अष्टम भाव मिलता है यहां पर, मंत्र शक्ति यहां पर भी बहुत अच्छी देखने मिलेगी। जितना मंत्र शक्ति करेंगे, जितना मंत्र उच्चार करेंगे, उतना आप पहुंच पाएंगे प्रभु के नजदीक। केतु अष्टम भाव वाले के पास सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि कंटिन्यूअसली इन लोगों को मंत्र जाप करते रहने चाहिए। दूसरा, आप यहां पर देखेंगे पाइल्स का प्रॉब्लम ये दे सकता है प्रोमिनेंटली। यहां पर अगर मंगल आकर बैठ गया तो चोर चपेट का भी योग बना सकता है। तो केतु अगर अष्टम भाव में अकेला हो, जितने कम आस्पेक्ट हो उतना ही अच्छा होता है। केतु इन द नाइन्थ हाउस, देखिए मल्टीपल रिलीजन्स के बारे में कंटिन्यूअसली सोचना, अगेन मल्टीपल रिलीजन्स को सोचकर ट्राई करना, ये प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है। फादर के साथ ना बनना, फादर से दूर जाना, ये भी आप देख सकते हैं। केतु जब नवम भाव के अंदर होता है और अगर कुंडली में जुपिटर पॉजिटिव हो जाए तो इनको पास्ट लाइफ से इनके गुरु मिलते हैं। तो आपने देखा होगा जिन लोगों पर गुरु की बहुत ज्यादा कृपा होती है हमेशा अपने गुरु का नाम लेते रहते हैं, केतु इन द नाइन्थ हाउस आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने मिलेगा। केतु जब नवम भाव के अंदर होता है तो यहां पर भी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी देता है। धर्म स्थलों पे इनको हमेशा जाना चाहिए और स्पेशली ऐसे धर्म स्थलों के अंदर जाना चाहिए जो अबैंडेंड है या फिर गुफा के अंदर है या फिर जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर होते हैं राजस्थान में काली माता के, माता जी के बहुत मंदिर होते हैं जो एक गुफा के अंदर होते हैं या फिर किसी माउंटेन के ऊपर जाकर होते हैं जहां पर ज्यादा लोग विजिट नहीं करते। ऐसी जगहों पर अगर आप विजिट करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। केतु इन द टेंथ हाउस, सबसे बड़ी भ्रांति यह है केतु इन द टेंथ हाउस की कि कर्म के अंदर ब्रेक आता है। ऑफकोर्स आता है, कर्म के अंदर वो डिटैचमेंट देता है, बट अगर कुंडली में धन की स्थिति अच्छी बन रही है, धन योग अगर अच्छा बन रहा है तो केतु इन द टेंथ हाउस आपको इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। केतु इन द टेंथ हाउस इंसान को एक बहुत ही एस्थेटिक फोटोग्राफर भी बना सकता है और बहुत अच्छी क्रिएटिव स्किल यहां पर दे सकता है। क्रिएटिव स्किल यहां पर पास्ट से आ रही है तो हो सकता है कि प्रोफेशन में वो प्रॉब्लम दे रहा है, बट इसके साथ साथ आपको अपना कोई अलग पैशन फॉलो करना चाहिए क्योंकि वैसे भी जॉब आप लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे। केतु एकदम हाई एंड सॉफ्टवेयर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हैं जो कि एकदम हाई एंड टेक्निकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है आप उधर भी काम कर सकते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज बैड, शनि को देखना इंपॉर्टेंट होता है। दशम स्थान के रियल मालिक शनिदेव बनते हैं, केतुदेव यहां पर सिर्फ एक एड ऑन है। केतु इन द 11th हाउस, अब आप देखेंगे, देखिए दोस्त नहीं बनने वाले, कितना भी आप उनके साथ अटैचमेंट रखने की कोशिश करिए, कितना भी आप सोचिए कि ये मेरा जिगरी यार है, वो है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। केतु स्पेशली 11वें भाव के अंदर डिटैचमेंट देंगे ही देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे वीडियोज़ के अंदर कि पंचम भाव और 11वां भाव जो होता है कुंडली के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्पेशल एक्सिस होता है। 6-12 एक बहुत स्पेशल एक्सिस है और 3-9 एक बहुत ही स्पेशल एक्सिस है। यहाँ पर अगर राहु केतु आ जाते हैं तो बहुत प्रोमिनेंट आपको रिजल्ट देखने मिलते हैं। 11वां घर जो होता है नेचुरल राहु का घर होता है, वहां पर आपके केतु आकर बैठ गए। अभी केतु वहां पर जितने स्ट्रांग पोजीशन में है उतनी बार आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मेरे दोस्त नहीं बनने चाहिए या फिर मुझे इतना दोस्तों से कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई बार ऐसे हो सकता है कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है इनको ये बात का भनक ना हो, ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं। अब ये कब होता है, जब इंसान के पास एक्सट्रीमली ज्यादा पैसा आता है कि अब इंटरेस्ट से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी पैसा आ रहा है, तो ये उस भी पॉसिबिलिटी को बताता है। तो केतु इन द 11th हाउस इज नॉट डिनायल ऑफ मनी, बट इट शोज दैट यहां पर आप हिसाब नहीं रख पा रहे। और दोस्तों के बारे में, जिन लोगों को बहुत दोस्तों की जरूरत है वहां पर इन लोगों को थोड़ा कम ही थोड़ा अपना ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको जरूर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। और अगर दोस्त बन भी जाते हैं तो कोई ना कोई तो आस्पेक्ट होगा जो नेगेटिव होता है हॉरोस्कोप के अंदर, हम कलयुग के अंदर रहते हैं राइट, तो आपको कुछ ना कुछ धोखा यहां पर देखने मिल सकता है। केतु इन द 12th हाउस डिटैचमेंट का कारक है, 12वें भाव के अंदर ही जाकर बैठ गया, बेस्ट पोजीशन हो जाती है यहां पर। यहां पर आपको इजीली देना आना चाहिए, जितना आप देने की कोशिश करेंगे उतना आपका केतु यहां पर बैलेंस हो जाएगा। देखिए केतु जब 12वें भाव के अंदर होता है ना, तब ऐसे इंसान को बहुत सारे लोग आकर हेल्प मांगने लगेंगे आपसे। अगर यहां पर पॉजिटिवली बैठा हुआ है जुपिटर और अगर आपकी कंडीशन है तो जरूर लोगों की हेल्प करने की कोशिश करिए, केतु यहां पर ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा। देखिए केतु 12वें भाव के बारे में ज्यादा बोलने के लिए नहीं है क्योंकि अपने आप ही ये काम कराता जाता है। इंसान का इंट्यूशन भी अपने आप काम करता है, इंसान खुद अपने आप काम करता है, यू नो इट पुशेज यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, बिकॉज केतु 12वें भाव के अंदर एक ऐसा पॉइंट है कि वहां पर आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर पुनर्जन्म लेना है तो फिर से पहले भाव के अंदर आना पड़ेगा। केतु ही 12वें के अंदर जाकर बैठ गया, मतलब पास्ट लाइफ का कर्म ही इतना पीक पे जाकर बैठा है कि पिछले जन्म में आपने ऑलरेडी वो साधनाएं कर ली हैं, तो अभी आप सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं। एक बात का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये जन्म के अंदर अगर गलत कर्म करेंगे तो फिर से पहले भाव के अंदर आना पड़ेगा,
राइट तो कुंडली के अंदर जब पेंडिंग कर्मा हम देखते हैं तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। इसके अंदर आप राशि वाइज भी देख सकते हैं कि केतु की क्या प्लेसमेंट है कुंडली के अंदर, केतु 12वें भाव से कितना नजदीक है, आपके कितने घर केतु के होने बाकी हैं, आपके पहले भाव के अंदर कौन सी राशि आ रही है। इसीलिए पहले भाव के अंदर पाइसिस आ गया तो एंड स्टेज पे आ गए हैं ऑलरेडी, बट केतु अगर पहले भाव के अंदर पाइसिस के अंदर आकर बैठ गया तो दुख झेलेंगे ये लोग बहुत, क्योंकि केतु जो है नेचुरल सेल्वेशन का कारक है, वो पहले भाव के अंदर आ गया जहां पर राशि पाइसिस के आ गए, तो आप देखेंगे कि अब बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू गुजरना पड़ेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि आप एक्सेलरेट तो करना चाहते हैं आपके मोक्ष का भाव, इसीलिए आपको राशि मिल गई बट केतु पहले भाव के अंदर आ गए, मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राशि पहले भाव में कौन सी आ रही है, आपकी मोक्ष की कितनी यात्रा बची हुई है, एट द सेम टाइम केतु की क्या प्लेसमेंट है, कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए उधर तक पहुंचने के लिए। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट विच यू कैन यूज फॉर पेंडिंग कर्मा। देर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट जहां पर आप पर्टिकुलरली पेंडिंग कर्मा के अंदर घुस सकते हैं और ज्यादा चार्ट्स के अंदर जा सकते हैं, D30 के थ्रू, D60 के थ्रू, देर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू कैन फाइंड। अगर यहाँ पर रेमेडीज की बात करें केतु देव के लिए, तो गणपति बप्पा को वर्शिप करना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, गणपति बप्पा का जो चेहरा था वो एक हाथी के चेहरे से रिप्लेस किया गया था, तो वो एक एनर्जी आपको वहां पर देखने मिलेगी। केतु देव का भी यहां पर आप देखेंगे चेहरा नहीं होता है, तो गणपति बप्पा को वर्शिप करने से अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। सेकेंडली फीडिंग फिशेज, ये बड़ी कॉमन रेमेडी है बिकॉज पाइसिस जो है वो फिशेज को रिप्रेजेंट करता है, वो डीप ओशन को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम केतु जो है वो पाइसिस के कोलॉर्ड भी बनते हैं। मत्स्य अवतार जो है विष्णु भगवान का, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है ये रेमेडी। मत्स्य अवतार की आप पूजा करें तो मंदिर जाइए, मत्स्य अवतार की विष्णु भगवान के रेगुलर दर्शन करने मात्र से आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। मड वेसल्स जो होते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर कुंडली के अंदर आपको केतु को एक्टिवेट करना है, अच्छे डिग्निटी के अंदर अगर आपके केतु बैठे हुए हैं तो मड वेसल्स के अंदर खाना खाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको पैसिफाई करना है केतु का इफेक्ट या फिर रेमेडी करनी है केतु के लिए, तो इन्हीं मड वेसल्स को आप डोनेट कर सकते हैं। सो दीज आर द रेमेडीज फॉर केतुदेव। ऑल्सो अगर तंत्र की यहाँ पर बात करें, तांत्रिक साधना अगर की बात करें, तो देवी धूमावती है वो केतु देव को कंट्रोल करती है, केतु देव को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर तंत्र साधना में किसी का इंटरेस्ट जमता है अगर, और कोई गुरु होते हैं अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडेंस, अगर कोई आश्रम में जाता है या किसी के ऑलरेडी गुरु हैं, गुरु परंपरा से जो लोग आते हैं, धूमावती की पूजा करना, धूमावती देवी की आराधना करना से यहाँ पर केतु देव के अंदर आपको अच्छे इफेक्ट देखने मिलेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। हमारा ब्लाइंड स्कूल है कोथुर में, और इधर 120 लड़कियाँ पढ़ती है, और आपने जो ग्रोसरी दी है हमारे लड़कियों के लिए, थैंक यू एस्ट्रो इंक।